ऐसे भी निकलता है। बेजवान पशु। राम राम भाई। ये लालचंद जी डेयरी है, हमारे पंडित जी हैं तिलकधारी, अभी वो आए नहीं है। बड़ी उमाश है, भैंसों को हमेशा ठंडक चाहिए होती है, इनको नहलाते हैं बोरिंग के पानी से 4-5 बार, तब जाके क्या करें दूध देती है। हेलो गाइस, तो मैं फिर ब्लॉग बना रहा हूँ। जितने भी मेरे दर्शक हैं, मित्र हैं, सब देख रहे हैं, वो सबको मेरा नमस्कार। मैं इस टाइम बैठा हूँ इंडिवर कार में। इंडिवर कार का जो अंदर इंटीरियर बहुत ही लाजवाब है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं इस टाइम हूँ कड़कड़ी मोड़ पर और जा रहा हूँ फिर से वही दूध लेने गाजीपुर। ये इधर राइट साइड में है अपना पीत विहार। तो लेफ्ट साइड में बड़ा हरा भरा एरिया है पूरा, बहुत ही जो रोडों की जो वीडियो लगती है बड़ी सुंदर लगती है, बड़ी सोच समझ के बनानी पड़ती है। तो गाइज मैं पहुंच गया फ्लाईओवर पे। इस गाड़ी में आदमी थकता नहीं है। ये हुई इंडिवर हुई, अपनी फॉर्चुनर हुई और इनोवा हुई। इन गाड़ी में बंदा को पता नहीं चलता कितना चले हैं कितना नहीं चले, ड्राइविंग अच्छा लगता करके। और मैं जा रहा हूँ इस टाइम दूध लेने, रूटीन है अपना 3, 3:30 और 4 बजे के बीच में। आज थोड़ा लेट हो गया, जा रहा हूँ, देखते हैं कि दूध मिलता है कि नहीं मिलता है। पर दूध तो कहीं भी मिल जाता है, आप कहीं भी ले सकते हो। लेकिन ये एक चीज़ आप अनुमान लगाओ, जो 80 रुपये किलो मैं लेने जा रहा हूँ वो आपको बाज़ार में जो 50 रुपये, 52 रुपये, 55 रुपये मिल जाता है, वो दूध थोड़ी ना होता है। उसमें मिक्स करते हैं, पानी प्योर पानी होता है। मान लो आप जो मैं दूध लेने जा रहा हूँ उसको आप लेने जाओगे तो उसको आप 1 किलो का 2 किलो आराम से बना लोगे। आप सोचिएगा कितना लोग पानी मिलाते होंगे। तो चीज़ बढ़िया खाइए, अगर आप ओरिजिनल दूध पीते हो तो आपकी हड्डियाँ वगैरह में कभी दर्द नहीं होगा, कभी थकावट महसूस नहीं होगी और कई मतलब शरीर को हर एक फ़ायदे हैं बहुत से। तो इसलिए कहते हैं जेन्युइन चीज़ खाओ, कम खाओ लेकिन जेन्युइन चीज़ खाओ, मिलावटी से दूर ही रहो तो बढ़िया रहेगा। मिलावटी इस ज़माने आजकल प्योर कहीं नहीं मिलता, अगर मिलता है तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है, नहीं महंगा ले मिलेगा आपको, क्वालिटी देगा तो महंगा देगा और क्वालिटी नहीं है तो सस्ता ही मिलेगा। ये मत सोचिएगा वहाँ सस्ता मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें हो सकता है, कुछ ना कुछ उसमें पंगा होगा ही होगा। जो पेटी होती है, क्योंकि आप लगा लीजिए भैंसों का चारा, उसमें जो दूध लगाने वाले होते हैं उनकी तनख्वाह, उसके बाद अगर उतना 55 रुपये दे रहा था उसमें कर क्या रहा है, उसमें मिलावट ही कर रहा है। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूँ मैक्स हॉस्पिटल, मैक्स बालाजी हॉस्पिटल। अब वहाँ से फिर टी पॉइंट से मैं लेफ्ट होऊंगा, लेफ्ट हम गोलो चक्कर और मेरी डेयरी आ जाएगी। ये देखो मैक्स बालाजी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हमेशा यहाँ भीड़ रहती है और बालाजी का नाम दिया उन्होंने। वही आ गया मेट्रो स्टेशन इंद्रप्रस्थ। आम तो आने लगे लेकिन अभी सही आम नहीं आए, आमों की भरमार है अभी। लेकिन लीची आम अभी उतने ज़्यादा नहीं आए, लेकिन आमों का सीज़न जुलाई में ही सस्ता होता है, यानी जब आम बिल्कुल
निकल चुके होते, मतलब आमों का लास्ट स्टेज चलता है उस टाइम, तब आम सस्ते मिलता है, 50 से 60 रुपये किलो मिलता है आम। यही बढ़िया आम 100 रुपये किलो भी बिक रहा है। तो चलिए मैं आगे फिर मिलता हूँ। फ्लाईओवर के नीचे इतना सुंदर लगता है, ठंडक रहती है, लोग यहीं पे बैठते हैं। तो गाइज हम आ गए डेयरियों के पास ही आ गए, फ्लाईओवर है, पानी वाले भैया हैं, और अब आगे आपको गाय गाय दिखेगी। ये कुछ बन रहा है काफ़ी दिनों से, और वही एक सही सीन होता है यहाँ पे, गायें धूप में बैठी हुई हैं, दूध लगा लिया, छोड़ दी बाहर। लेकिन जो कुछ लोग हैं उन गाय को हो सकता है जगह ना हो, तो बाहर ही चारा डालते हैं। देखो देखो डाल रहे हैं चारा बाहर ही, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये। देखो गाय चारा देख के आ रही हैं उधर ही। तो भाई लोग जो ये वीडियो को देख रहे हैं, जो गाय रोड पे होती हैं, अगर आपको दान ही करना है तो गौशाला में ना करके जो रोड पे चलते हैं गाय उनको डाल दो चारा। तो गाइज मैं पहुंच गया डेयरी अपने, ये जलेबी वाले भैया पे आज सर जलेबी है। लौट के जलेबी मुझे बड़ी पसंद आती है, तो जलेबी दे मत दियो किसी को, जलेबी दे मत दियो किसी को, 10 रुपये की मुझे चाहिए, मैंने बुक कर रखी है, देख लो भाई लोग, मुझे इसकी जलेबी इतनी पसंद आती है। भाई लोग ये पशुओं का आहार है सब, ये ट्रक से उतर रहा है। और बड़ी बड़ी डेयरियाँ हैं यहाँ पे दूध की, कोई कमी नहीं है दूध की, सिर्फ लोगों को सुविधा चाहिए बस, कि घर पे दे जाए कोई, चाहे वो दूध कैसा भी मिले, उनसे इनको कोई मतलब नहीं है। तो गाइस मैं यहाँ से गाड़ी बैक करूँगा आगे। ये अंकल ना इसको पीटते हैं लगता है, दूध ही नहीं लगा पाता, देखो गोरा एकदम चट्टा हो रहा, दूध पी पी के लाल हो रहा, गाजर की लाल हो रहा सारे का। मजाक देखो, मजाक भी करते हैं लोग, और भैंसें इनसे खुश रहती हैं एकदम, देखो बड़ा ही मजा आता है यहाँ पे। भैया कितने देर टाइम लगता है एक बाल्टी भरने में? 2-3 मिनट। 3 मिनट? क्यों यार झूठ बोल रहे हो, वो भी हमसे न्यूज वालों से, न्यूज नहीं, 5 मिनट। अच्छा एक भैंस पर कितना दूध देती है एक भैंस? तो देखो अभी तो कम दे रही है, मतलब एक बाल्टी भर जाता है इससे, एक से नहीं भर जाएगी। सुबह शाम कितना देती है? सुबह शाम में देती 6-7 किलो। 6-7 किलो एक भैंस, और ये लगभग 100 भैंस हैं यहाँ पे। एक ये सारे गाय हैं, देखो गाय भी तालमेल भैंसों का बराबर हो रखा है, और ऊपर बिल्कुल हवा खुला है एकदम, बड़ा ही मजा आता है। राम राम भाई साहब, कैसे हो? ठीक है। एक भैंस में कितना दूध निकलता जी? अभी तो हम इसमें नए नए लगे हैं, अभी ये देखो एक बाल्टी भर के लाया भाई साहब दूध, प्योर दूध है। इसको कहते हैं क्वालिटी, देखिए आप झाग, असली दूध है प्योर। दूध दे दिया इन्होंने, अब जा रहे लगाने, दूसरी भैंस लगाने जा रहे हो? चलो ये भाई साहब बैठे हैं, आप भैंस लगाते हो? हाँ। तो आज आप छुट्टी पे हो गया? हाँ। अच्छा चलो, आपका नाम क्या है? शिव भोला नाम है। ये भी यहाँ पे दूध लगाते हैं, और आज इनको शायद तबीयत ढीली है इसलिए बैठे हुए हैं, बाकी लोग आ रहे हैं, चारा वगैरह आ रहा है। सो गाइस बाय बाय, मैं जा रहा हूँ, फिर देख लिया ये देखो दूध प्योर, तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ आपको। ओके बाय बाय। 70 रुपये लीटर प्योर होता है? नहीं तो आप दे दोगे मुझे जैसे आपसे लेना? अच्छा बंधा हुआ है आपका? अच्छा लगाते हो किसी और को दे दो? तो यहाँ दूध नहीं मिलता भैया। ये देखो गाय कैसी देख रही है, हाय हाय। बड़ा ही गायों के साथ अच्छा लगता है भैया, जानवर भी पहचानता है रोटी के लिए। चलो भैया दूध ले लिया है, गांव जैसा माहौल लगता है यहाँ पे आके।